हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। ममता तिवारी यूपी ब्लॉगर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग देखिए, बहुत सारी हमने वीडियो डाली है जो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है आपके लिए वो नई ही हो या नया तरीका हो बनाने का। तो अभी हम बनाएंगे, शाम को जो है वीडियो हम बनाना चालू कर दिए हैं, तो उनके थोड़ा बहुत आपसे बात भी हो जाएगी। और अभी हम शाम को बनाएंगे। थोड़ा कोई सब्जी वगैरह छोंक दिया था तो वो जो है गले में खराश हो गई है। मिर्ची वगैरह हमको लगता है जल गई थी, इसी के कारण है। तो हम बनाएंगे पत्ता गोभी की सब्ज़ी और आलू, जो आप लोग देखना, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। और आप लोग फटाफट मेरे भी सपोर्ट करिए जो है, तो जो है मन के मेरे कम सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, मेरे चैनल को 1 साल से ज़्यादा हो गया है। वॉच टाइम तो बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, पता नहीं क्या कारण है कि कोई प्रॉब्लम है मेरे चैनल में। क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है मेरे चैनल में, हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो कभी कभी दिमाग जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्या कारण है। सारे सब्सक्राइबर जो है कट गए थे, बहुत हमने मेहनत किया था। उसके बाद दोबारा भी हमने मेहनत किया तो सब्सक्राइबर तो थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो उनके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं दिल से, कि आप लोग हमारा भी सपोर्ट कर रहे हो। हमको थोड़ा सा तसल्ली हो रही है कि अब हम भी आगे बढ़ सकते हैं। बस यही सब बात थी, और कुछ नहीं कहना चाहते थे। अभी जो होगी शाम को बनाएंगे सब्जी पत्ता गोभी आलू की, आपके साथ शेयर करेंगे। देखना आपको हो सकता है पसंद आए। गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बात करने की नहीं इच्छा हो रही, बार बार खांसी आ रही है, जैसे लगता है खांसी आ जाएगी। तो देखना जो होगा, बस यही थोड़ी सी अपडेट आप लोग के साथ शेयर कर दे रहे हैं। इतना रोक के रखे हैं, नहीं खांसी आ जाए, पता नहीं किसे बहुत तेजी खांसी आ गई। ये देखिए, ये शाम का खाना है, आज मंगलवार है। देखते हैं ये वीडियो कब अपलोड हो पाता है। इधर हमने दाल रख दिया है, दाल भी हमारी पक रही है। थोड़ा सा कुकर सीटी के पास पता नहीं कैसे पानी आ जाता है, वो देखो थोड़ा सा पीला पीला सा लग जाता है। इधर हम पत्ते गोभी की सब्जी बना रहे हैं। पत्ते गोभी की सब्जी बनाने के लिए हमने ऑयल लिया था, ऑयल गर्म हो गया था, उसमें प्याज लहसुन मिर्च सारा ऐड कर दिए थे। उसके बाद आलू कट कर पतले पतले से टुकड़ों में आलू कट कर लिया था। पत्ता गोभी ये सारा हमारा पक गया था, तो हम आलू पत्ता गोभी ऐड कर दिए हैं, जिसको भी लो फ्लेम पे पकाएंगे। हमने इसकी रेसिपी कई बार आपके साथ शेयर किया है। ये देखिए, इसमें हम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर कलर वाले, थोड़ा सा हल्दी कम लग रही थी तो और ऐड कर देते हैं। अब इसको हम लो फ्लेम पे सारा मिक्स कर देते हैं। ज़्यादा हम इसमें कुछ ऐड नहीं किए हैं, दाल के साथ खाने के लिए वैसे भुजिया बना ले रहे हैं। पत्ते गोभी की सब्जी भी थोड़ा सा पक जाएगा तब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे।
इसको लो फ्लेम पे हमको पकाना है। इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। दाल चावल रोटी पत्ते गोभी की सब्ज़ी यही बनाएंगे। देखिए अब इसको हमने थोड़ी देर ढक देना है। हाँ एक चीज़ हमने बताना भूल गए, हमने इसमें जीरा ऑयल गर्म हो गया था, जीरा ऐड किए थे, उसके बाद प्याज लहसुन मिर्च सारा ऐड कर दिए थे। वो जब गोल्डन ब्राउन हो गया था तब हम पत्ता गोभी आलू ऐड किए थे। ऐसे सभी लोग बनाते होंगे, आप लोग बताना कमेंट में। ये देखिए अभी ये पक रही है, मैंने इसको लो फ्लेम कर दिया है। आपको इसको लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए बस थोड़ी देर में पक जाएगी। आप इसको पूरी पराठा जिसके साथ भी, रोटी के साथ आपको अच्छा लगे खा सकते हो। ये देखिए सब्जी बनके रेडी हो गई है, देख लीजिए आप लोग। ये देखिए आप लोग को कैसी लगी बताना। कढ़ाई से निकाल के ये देखिए चावल दाल पत्ता गोभी की सब्जी रोटी, इधर हमने सलाद कट करके रख लिया, मूली खीरा प्याज टमाटर मिर्च। आप लोग को पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इसमें हमने ऊपर से नींबू भी डाल दिया है थोड़ा सा, सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा। फटाफट मेरे भी बन के हो जाएं, अब होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कम नहीं हैं। अगर आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो फटाफट मेरे भी बन के कम्प्लीट हो जाएंगे, यानी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम। वॉच टाइम तो मेरा बहुत कम है, अभी वॉच टाइम पूरा होने में टाइम लगेगा, लेकिन सब्सक्राइबर मेरे 1K हो जाएंगे। तो आप लोग फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।